बसमिल्लानरिम्असल स्टूडेंट्स आई एम योर इंग्लिश टीचर दिस इज़ माय ऑनलाइन सेशन एंड आई विल टीच यू अवर सेकंड चैप्टर ऑफ टेन ग्रेड चैप्टर नेम इज़ प्रोफेशन प्रोफेशन मींस पेशा क्या बता रहे हैं इस चैप्टर में इस चैप्टर में हमें दो प्रोफेशंस के मुतालिक बताया गया है सबसे पहले जिस प्रोफेशन का जिक्र है वो टीचिंग है और सेकेंडली हम फिशिंग के बारे में पढ़ेंगे लेट्स कम टू अवर फर्स्ट टॉपिक टीचिंग डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि उस्ताद हमें जो तालीम देते हैं वो तदरीस के शोबे से वाबस्ता होते हैं सिंधी में उस्ताद को अखूंद और फारसी में इसके लिए लफ्स खानदान हैं जिसका मतलब पढ़ना है कहते हैं कि अल्लाह पाक अपना कानून इंसानों के दिलों पे नक्श कर देता है क्योंकि अल्लाह पाक ने तमाम इंसानों को दीन फितरत पर पैदा किया है इसके बाद ये बता रहे हैं कि इसीलिए हर इंसान अगर दिल से सोचे तो इस्लाम के तमाम कवानीन उसे सच्चाई पर मबनी नजर आएंगे और उस्ताद में ये खसूसियत है कि वो इंसानी दिलों में मौजूद खुदाए वाहिद का पैगाम पढ़ लेता है इस तरह उस्ताद सबसे ज्यादा पढ़ने वाला होता है और ये उस हुक्म इलाही को जो वही के पहले लफ्ज जिसके माने पढ़ हैं उस पर अमल करता है उस्ताद अल्लाह पाक की तहरीर को पढ़ना जानता है चाहे वो इंसानी दिल पे कंदा हो या मुकद्दस किताब में इतना मकाम जब अल्लाह पाक ने उस्ताद को दिया है तो इस आला दर्जे का क्या तकाजा है इस आला दर्जे का ये तकाजा है कि उस्ताद ज्यादा से ज्यादा काबिल होने की कोशिश करे और बहुत सारी जीती और पेशा वारा खूबियों को अपनाने के बाद ही एक ऐसा उस्ताद सामने आता है इससे ये बात वाज होती है कि अहले मशरक अपने उस्तादों का इतना ज्यादा अदब क्यों करते हैं और इतना मुकदस लोगों की तरह उनको क्यों रिस्पेक्ट देते हैं द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर इज दैट he or she loves and appreciates the profession, he must prefer the welfare and progress of the students and keep their interest in the first place. इसके अलावा उस्ताद जो है वो उन लोगों का अदब एहतराम करता है जिन लोगों से उसका वास्ता पड़ता है कुदरत के मज़ाहिर के बारे में बहुत अदब से गुफ्तगु करता है क्योंकि उस्ताद ये बात जानता है कि ये सारी चीजें अल्लाह पाक के हकम से वजूद में आई हैं इसके अलावा उस्ताद मुकद्दस किताबों पर गौर वफिकर करते हैं जो हमें जिंदगी के मफहूम और जिंदगी गुजारने के तरीके से आगाह करती हैं जाहिर है मुकद्दस किताबें ही हमें जिंदगी गुजारने के उसूल से आगाह करती हैं इसके अलावा उस्ताद की एक अहम खूबी और बताई हमारे इस चैप्टर में कि वो खूबी जो है उसकी तश्नगीय इल्म है बेहतरीन उस्ताद वो होते हैं जो हमेशा तालब इल्मते हैं और उस्ताद इतने मिजाज होते हैं कि वो हर एक से सीखते हैं हती कि उनसे भी जो उनसे कम उम्र और कम तालीम याफ़्ता होते हैं स्टूडेंट्स ये बात तो हम जानते हैं कि हर शख्स कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर जानता है जो कि दूसरे को नहीं मालूम होता तो यही क्वालिटी उस्ताद में होती है कि वो इस चीज में शर्म नहीं करते कि अपने से कम उम्र या कम तालीम याफ्ता के पास कोई ऐसी चीज ऐसी बात हो जो उनको ना मालूम हो तो उससे सीखने में वो आर महसूस नहीं करते यही वजह है कि उस्ताद सच्चाई खूबसूरती और अच्छाई को ज्यादा बेटर तरीके से जानते हैं इसके अलावा बता रहे हैं कि अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर इज दैट ही और शी नॉट ओनली स्ट्राइव टू नो वॉट इज ट्रू गुड एंड ब्यूटिफुल बट ऑल्सो सीक्स टू इनकॉर्पोरेट दीज इन द लाइफ दे प्रैक्टिस वॉट दे प्रीच आफ्टर द एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉफिट ऑफ गॉड हु टॉक बाई द वर्ड्स इन द होली बुक्स एज वेल एज बाई हिज डीड्स इन एवरी डे लाइफ Let's come to our second topic of chapter profession, which name is fishing. Dear students, listen to me carefully. About three fourths of our earth is covered with water. The rivers and oceans of the world are full of fishes. These fishes are an important source of our food, and millions of people are engaged in catching fish. This is not just a hobby but an occupation and a flourishing trade. The fishermen sometimes work individually in their small boats and sometimes work together on large boats with machinery needed to catch fish from deep waters. They stay at sea for days and even weeks and return with tons of fishes. दिज शिप हैव प्रॉपर अरेन्जमेंट फॉर स्टोरिंग द फिश सो दैट कैच इज नॉट स्पॉइल्ड बिफोर रीचिंग द मार्केट इसके बाद बता रहे हैं की पाकिस्तान के माहिगर दोनों किस्म की माह गिरी में मशगूल है अंदरूनी या ताजा पानी की माह गिरी और समंदरी या बहरी माह ताज़ा पानी की मछलियाँ दरियाओं नदियों नहरों झीलों और तालाबों से पकड़ी जाती है और ये काम हमारे फिशरमैन जो हैं मुख्तलिफ साइज के जालों से करते हैं इन माहिगिरों को बाज बोट्स की जरूरत भी नहीं होती ताजा पानी की पकड़ी हुई मछलियां अमूमन छोटी लेकिन बहुत मजेदार होती हैं और वो मकामी तौर पे करीबी कस्बों या गांव में फरोख्त की जाती हैं द गवर्मेंट इज नाउ टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग एंड मॉडर्नाइजिंग द फिश इंडस्ट्री फिशरमैन आर गिविंग लोन्स टू बाय बिगर एंड बेटर बोट्स और ट्रॉलर्स सो दैट दे कैन गो फर्दर फ्रॉम द शोर एंड फिश इन डीपर वाटर्स। इसके अलावा मछलियां पकड़ने के जाल के बारे में बता रहे हैं कि वो कम कीमत पर मुहैया किए जा रहे हैं मछली बंदरगाहें और मछली मार्केट्स कायम की जा रही हैं साहिल के साथ साथ और साहिल से दूर जजीरों पर मौसमियात के दफातर कायम किए जा रहे हैं ताकि माहिगिरों को तूफान की खबर दी जा सके और उनकी परेशानियों में कुछ कमी आ सके कुछ कश्तियों पर अब वायरलेस रिसीवर भी नसब कर दिए गए हैं माह की एक तरबियत गाह और माहरी की एक तरक्याती तजुर्बे गाह कराची में कायम की गई है मछलियों से हमें बहुत सारी दीगर जिमनी पैदावार भी हासिल होती है जैसे ग्लू खाद और मछली का तेल फिशिंग इज वन ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज बट केमिकल वेस्ट एंड ऑयल थ्रोन इन द रिवर्स एंड द सी आर कॉजिंग डैमेज टू द फ्रेश वाटर एंड मेरीन लाइफ डियर स्टूडेंट्स यूं तो दुनिया में लाखों प्रोफेशन होते हैं लेकिन हमने अपने इस चैप्टर में आज सिर्फ इन दो प्रोफेशंस को कवर किया है टीचिंग और फिशिंग उम्मीद करती हूं के, के ये लेक्चर आपके लिए मालूमाती रहा होगा स्टूडेंट्स इस चैप्टर का काम कंप्लीट करके आप फाइव ईयर के सवालत कलेक्ट करें और जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उनसे जवाब याद कर लें ताकि आपकी तैयारी अपडेट रहे ओके गाइस, सी यू इनशाला इन आवर नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू